माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी सर लगा भावना देना ये लोग हमारा जो है हमारा प्रोग्राम अंदर है हमारे ऑफिस का जो है वो अंदर है तुमने अलग करना है अपना ठीक है सर सर मैसेज जनरेटर से दिए जा रहे हैं लक्ष्मी बच्चों द्वारा की जा रही है आज हम आर्म फोर्स फ्लैग डे पर यहाँ पर कठुआ में भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस दिन पर क्योंकि हम हमारे जो वीर सपूत हमारे जो एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी सेवा दी और उनके लिए आज के दिन हम कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से इकट्ठा करते हैं उनको एक तरह से धन्यवाद उनका एक तरह से हम धन्यवाद करने के लिए और मैं सभी कठुआवासियों से निवेदन करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें और हमारे कठुआ में एक स्ट्रॉन्ग लीगेसी भी रही है यहाँ पर बहुत बड़े नंबर में हमारे यहाँ पर एक्स सर्विस मैन भी हैं सो आप सभी उनके साथ सहयोग करें उनको एम्पावर करने के लिए फ्लैग डे पर जरूर कंट्रीब्यूशन दें और इसमें आप अपना जो है फिजिकल फॉर्म में जो है आप मनी देने के साथ साथ हमने इसमें क्यूआर कोड जो है वो भी शेयर किया है आप उसके थ्रू भी अगर डोनेट करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसी तरीके से आप हमने बैंक अकाउंट जो है वो भी शेयर किया है हमारा फ्लैग डे का जो बैंक अकाउंट है उसको भी शेयर किया है वहाँ पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जिस तरह से हम हर साल फ्लैग डे पर अपना ये हम फ्लैग यहाँ पर अपना जो है वो एक मैसेज या स्टिकर ये लगाते हैं इसके लिए भी इसका जो डिजिटल स्वरूप है उसको भी आप कंट्रीब्यूट करके वहाँ से इसको डिजिटली डाउनलोड भी कर सकते हैं सो आपको आप सभी से मेरा ये पार्टिसिपेट करें और हमारी भारतीय सेना को हमारे सर्विसमैन को हमारे एक्स सर्विसमैन को और भी मजबूत करें धन्यवाद चेयरमैन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ आज हमारा आर्मड फ्लैग डे है और इस फ्लैग डे के ऊपर हमारा मेन मकसद यही है कि जब से भी इंडिया पाकिस्तान का जैसे 1947 का हुआ 1962 का हुआ 1965 का हुआ 99 का हुआ ये जितने भी युद्ध हुए हैं इसमें कितनी कैजुअल्टी हुई है इस कैजुअल्टी के साथ साथ जो है वो कितने डिसेबल्ड हमारे जो सर्विंग पर्सन है वो हुए हैं तो इस आर्मी फ्लैग डे के ऊपर हर एक आदमी ने यही समय सोचा कि इनकी मदद के लिए एक फ्लैग डे रखा जाए और उसको 7 दिसंबर जो है 1949 को ये चीज़ें इसकी स्थापना की गई और हर एक एक्सर्समैन सर्विंग पर्सन या जितने भी हमारे सिविलियन भाई हैं हम सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस दिन के ऊपर अपना दिल खोलकर योगदान दें दान करें और उस डिसेबल्ड बच्चों को जो पीछे उनके रह गए हैं जहाँ जिंदगी गई या बाजू चला गया उनकी मदद हो सके उनके बच्चों की देखभाल हो सके जन पठानिया चेयरमैन एक्सर्समैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ देखिए मेरे प्रेसिडेंट साहब एज वेल एज वाइस चेयरमैन साहब ने बड़ी विस्तारता के साथ बताया है आज के दिन का महत्व क्या है मेरी सर्वप्रथम सभी जो हमारे आज के इस ट्रांसमिशन को सुनते हैं मेरे सभी भाइयों की तरफ से क्या जो भी हमारे एक्सर्समैन जहाँ पर एकत्र हुए हैं सिविलियन भाई भी हैं ये जो दिन है ये पर्टिकुलरली इट इज़ नॉट फॉर द एक्सर्समैन एंड अदर फौजी दोज आर फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ द कंट्री इटसेल्फ ये सभी के लिए है क्या हमारे सिविलियंस लोग हमारे भाई उनका भी बहुत योगदान रहता है लड़ाई में अगर एक फौजी काम करता है लड़ाई में तो उसको सेकंड लाइन में अगर हमारे फौजी भाइयों को सपोर्ट ना हो तो मैं कहता हूं कि फौजी अधूरा रहता है तो हमारे ये हम आज की 49 से तो हुआ है ये एक हमारे बुद्धिजीवियों का एक मत था एक सोच थी कि ऐसा किया जाए जैसे दरिया जो है वो समुद्र बन जाता है तो आज के दिन आओ हम सभी संकल्प लें कठुआ के लोग जो मेरे आज की इस बात को सुनते हैं मेरी विनती को सुनते हैं मेरी आज की प्रार्थना को हमारी प्रार्थना को सुनते हैं सभी प्राण लें
सभी ये सोचें कि हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिर उन लोगों के लिए जो लोग लड़ाई में अभी भी जैसे इंसर्जेंसी एमरजेंसी जिसके हम लोग ये दिन फिक्स हुआ है आज का दिन 7 दिसंबर, तो हमारे वेदों में भी शास्त्रों में मैं यही मेरी प्रार्थना रहेगी उन भाइयों को जो मेरे आज के इस बात को सुनते हैं कि कुछ ना कुछ अपनी नेक कमाई से अपनी कमाई से कुछ ना कुछ समाज के लिए माँ भारती के लिए कुछ ना कुछ मतलब दान दीजिए। अतः मैं आप लोगों का सभी अपने एक्सरसमैन सभी लोग जो भाई हमारे साथ देखो हमारे मीडिया का क्या संघ जी हैं क्या पब्लिक सोमदास शर्मा रिटायर्ड जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस कठुआ में कार्यरत हूँ। ये जो 7 दिसंबर को हम नेशनल आर्मर्ड फोर्स फ्लैग डे मनाते हैं ये 1909 में इसकी शुरुआत की थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। हमारे कितने सारे ऑपरेशन हुए हैं जैसे हमारा पाकिस्तान से बंटवारा हुआ है 62 में हुआ है 71 में हुआ है कारगिल युद्ध हुआ है इसमें हमारे बहुत सारे जवान जो शहीद हुए हैं कुछ डिसेबल्ड हुए हैं जिसकी कोई टांग चली गई है। तो हमारा हर एक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि हम कुछ डोनेट करें उनके लिए जो उनके उनके फैमिली को सेटल करने के लिए जो डोनेशन होता है। तो मेरी पूरी ड्यूटी आप जम्मू एंड कश्मीर से सभी नागरिकों से निवेदन है कि इस कार्य में बढ़ चढ़ हिस्सा दें अपना छोटा सा छोटा पैसा भी जो एक बड़ी बड़ी रकम बन सकती है और हमारे इन लोगों के काम आ सकता है उनको एक सहारा मिलता कि हमको देखने के लिए कोई पीछे बैठा है। जिस घर का एक मुखिया जो काम करने वाला एक बंदा जो होता है जो हमेशा के लिए दूर हो जाता है तो उनका बिल्कुल दिल टूट जाता है तो उनके लिए हमारा एक सहारा बन जाता है कि हम नहीं हमको कोई देखने वाला है इस दुनिया में। तो ये हमारा हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि हम कुछ ना कुछ उसमें डोनेट करें ये बड़ी रकम हो जाती है उनके काम आती है। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रेजिडेंट मनोहर सिंह एक एक्सरसमैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट हुआ। देखिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी एसोसिएशन के मेंबरों की तरफ से आज के सुबह अवसर पर जो आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे है उसके ऊपर सभी जवानों को ऑफिसरों को और जीसीओस को शुभकामनाएं देता हूं। ये आखिरी दिन को मनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तो उसके बाद में इसके ऊपर विचार किया गया कि जो आर्मी के सर्विस में पर्सनस हैं चाहे वो रिटायर हैं चाहे उनके वो डिपेंडेंट हैं जो भी कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए उनको किस तरीके से सहायता प्रदान की जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने ये इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस 28 अगस्त 1949 को एक कमेटी का गठन किया जिसको कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर इसका गठन किया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले ये फ्लैग डे का जो 7 दिसंबर 1949 को ये इसकी शुरुआत हुई है कि चाहे हमारे जवान सर्विस में हैं चाहे हमारे जवान रिटायर्ड हैं चाहे उनकी फैमिलीज हैं चाहे कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उनको किस तरीके से मदद की जाए। तो मैं जितने भी हमारे एक्सरसमैन हैं हमारी एसोसिएशन की तरफ से मैं जितने भी हमारे शहरवासी हैं उनको ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपनी नेक कमाई से ज़रूर कुछ ना कुछ ये आज के दिन में दान दीजिए ताकि जो हमारी देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं जितने भी जवान हैं चाहे ऑफिसर्स हैं चाहे जेसीओस हैं चाहे हमारे रिटायर्ड भी जो एक्सर्विसमैन हैं ताकि उनकी टाइम टू टाइम जो है वो मदद हो सके। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद जय भारत। फ्लैग डे हमारे इंडिया में दिसंबर 7 को 1949 से मनाया जाता है। ये कलेक्शन हम उन सभी शहीदों की फैमिली के लिए करते हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर्स पर शहीद हो जाते हैं। गुड जनरेशन होने के नाते हमें ना कि सिर्फ मोबाइल्स पर उनको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए बल्कि हमें आगे आकर उनके लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान देना चाहिए। थैंक यू।